भारत को जानने वाले और न जानने वाले इस बात से तो वाकिफ ही होते हैं कि भारत में कदम कदम पर अचंभे मौजूद होते हैं। ऐसे में हम आपको रूबरू करा रहे हैं ऐसे ही कुछ जबरदस्त फैक्ट से, जिन्हें आप शायद ही जानते हों। भारत को किंवदंतियों और किस्से कहानियों का देश कहा जाता है। यह एक बहुत पुरानी और प्रचलित कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर पानी, अर्थात हमारे देश भारत में हर एक कोस की दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है और चार कोस पर भाषा यानी वाणी भी बदल जाती है। भारत में इतनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता है कि सारी विविधताओं के बारे में लिख पाना किसी के लिए संभव नहीं। फिर भी हमने कोशिश की है कि हम आप तक किस्तों में इन फैक्ट्स को पहुंचा पाए। यहाँ मौजूद है भारत के भूगोल और लोगों से जुड़े जबरदस्त फैक्ट्स। पहला, तैरता हुआ डाकघर। वैसे तो भारत में डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जहाँ 155,015 डाकघर हैं। एक अकेला डाकघर लगभग 7,175 लोगों की मदद हेतु तत्पर रहता है। देश के ऐसे डाकघर में श्रीनगर के डल झील का डाकखाना भी शामिल है। यह तैरता हुआ डाकघर है और इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। दूसरा, कुंभ मेले की भीड़ अंतरिक्ष से भी दिखती थी। साल 2011 में संगम के तट पर आयोजित कुंभ मेले में पूरी दुनिया की ऐसी भीड़ जुटी थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा गया था। है ना हैरानी वाली बात। तीसरा, दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाली जगह भारत में है। भारत के मेघालय प्रांत के खासी पहाड़ियों पर स्थित मौसिन राम नामक जगह में इतनी बारिश होती है कि एक आम आदमी इनकी कल्पना तक नहीं कर सकता। इससे पहले यह रिकॉर्ड मेघालय के चेरापूंजी के नाम था। चौथा, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड चायल हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा स्थान है जहां एक मिलिट्री स्कूल भी है। इसे साल 1893 में बनाया गया था और 2444 मीटर के एल्टीट्यूड पर यह पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। पांचवा, शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ है। हो सकता है कि आप इस फैक्ट को जानकर थोड़े अचंभित हुए हो, क्योंकि पहले लोग मिट्टी से बाल धुलने में यकीन रखते थे, मगर शैम्पू शब्द संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से निकला है। चंपू का अभिप्राय मसाज से है। छठा, भारत की राष्ट्रीय कबड्डी टीम ने सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। वैसे तो हम सभी क्रिकेट के दीवाने हैं और वर्ल्ड कप का नाम आते ही क्रिकेट ही याद आता है, जैसे कभी हॉकी याद आया करता था। हालांकि भारत की पुरुष व महिला कबड्डी टीम ने अब तक संपन्न हुए सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। सातवा, चंद्रमा पर भारत ने ही पहले पहले पानी खोजा था। यह बात है सितंबर 2009 की। भारत के चंद्रयान नामक सैटेलाइट ने चंद्रमा के मिनरलॉजी मैपर की मदद से चंद्रमा के सतह पर पहली बार पानी खोज निकाला था। आठवा, स्विट्जरलैंड में साइंस डे भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को समर्पित है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कलाम साहब की इज्जत सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर में उनके दीवाने हैं। मई 26 को वहाँ साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। नौवा, भारत के पहले राष्ट्रपति सिर्फ आधी सैलरी लेते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद भारत का एक ऐसा राष्ट्रपति माना जाता है जो जीवन पर्यंत जमीन से जुड़ा रहा। अपने खाटीपन के लिए मशहूर यह शख्स राष्ट्रपति को दी जाने वाली तनख्वाह 10,000 का सिर्फ 50% ही लेता था। दसवा, भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर लाया गया था। भारत का पहला रॉकेट इतना हल्का था कि इसे लॉन्चिंग स्टेशन पर साइकिल के करियर पर रखकर ले जाया गया था।
ग्यारहवा, भारत में हाथियों के लिए इस्पा बाथ की व्यवस्था है। भारत में हाथियों को धार्मिक तौर पर भी मान्यता प्राप्त है। यहाँ लोग उन्हें बेहद सम्मान से देखते हैं। केरल में ऐसी कई जगह हैं जहाँ हाथी को नहला धुला कर चमकाया जाता है। बारहवा, दुनिया में दूसरे सबसे अधिक अंग्रेजी बोलने वाले भारत में है। अब इसे अंग्रेजों का प्रभाव कहें या फिर अंग्रेजी बोलने पर मिलने वाले बेहतर रोजगार, मगर भारत अंग्रेजी बोलने वालों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने तक सीमित ना रखें और इस वीडियो पे एक लाइक कर दें। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।